नमस्कार दोस्तों, ओवर इंडिया में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत को 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम इंडिया 3 वनडे मैच की सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई है। भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुक्रवार को पहले वनडे मैच में ही खराब प्रदर्शन के कारण 66 रनों की मात झेलनी पड़ी। हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने फील्डरों और गेंदबाजों पर नाराजगी जाहिर की है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 374 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये ऑस्ट्रेलिया का भारत के खिलाफ वनडे में सर्वोच्च स्कोर भी है। ऑस्ट्रेलिया को इस स्कोर तक पहुंचाने में भारतीय फील्डरों का भी हाथ रहा, जिन्होंने कैच भी छोड़े और ग्राउंड फील्डिंग भी खराब की। गेंदबाज भी लगातार रन लुटाते गए। बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में शुक्रवार को खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 66 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया को लगातार 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इसके पहले भारत ने एक के बाद एक 6 या इससे अधिक मैच 2002 और 2003 में हारे थे। कप्तान एरोन फिंच और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के शतकीय प्रहारों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में शुक्रवार को 66 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया को इस जीत से आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में 10 अंक मिले। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दमदार प्रहार करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रनों का विशाल स्कोर बनाया। बड़े लक्ष्य के दबाव में भारतीय बल्लेबाज साफ नजर आए और भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 308 रन ही बना पाई। हालांकि सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 74 रन और हार्दिक पांड्या ने 90 रन बनाकर भारत की हार को कुछ सम्मान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेग स्पिनर एडम जाम्पा ने 54 रन पर 4 विकेट लिए। भारत ने हालांकि पहले 2 ओवर में 32 रन जोड़कर शानदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार विकेट गंवाए। बता दें, सीरीज का दूसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए मन इंडिया।